हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे सेशन में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं विच विल बी रिलेटेड टू इंसेक्ट क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा टॉपिक वाइज चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, ताकि हमारा एक टॉपिक हम चेक कर सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ना। सो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंसेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वैलेंटाइंस डे अड्डा 24/7 इज बैक विद 80% ऑफ। यू कैन एनरोल इन IBPS AFO फाउंडेशन बैच या फिर आपका MSc फाउंडेशन बैच जो कि आज से शुरू होने जा रहे हैं। शाम को 5 बजे आपकी क्लास है, उससे पहले आप एनरोल कर सकते हैं इन फाउंडेशन बैच में यूजिंग द कोड Y448A टू गेट दिस 80% ऑफ। साथ ही साथ आपका नाबार्ड का फाउंडेशन बैच भी कल शुरू हो चुका है, यानी कि 13 फरवरी से नाबार्ड का बैच जो है शुरू हो गया है। यू कैन एनरोल इन दिस बैच, आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द सेम कोड। चलिए चलते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग शुभम, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बस आपको टाइप करना है ADDA247। अड्डा 24/7 की इस एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करने के बाद चुनना है एग्रीकल्चर सेक्शन को। एग्रीकल्चर सेक्शन को जैसे ही आप यहाँ पर चूज करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें क्विज, पावर कैप्सूल एंड जॉब अलर्ट सब एप्लीकेशन में मिलेगा। इन क्विज को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी अपनी स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बी द फर्स्ट वन टू वॉच और एग्रीकल्चर के किसी भी अपडेट के लिए आप रहें सबसे आगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हम एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू योर इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, है ना। इंसेक्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज बहुत ही आसान है, फैमिलीज तक मैं कहीं नहीं पहुंची हूँ, सिर्फ ऑर्डर्स के ऊपर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस रखे हैं। सो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी तो लगेगी ही, लेकिन आप अच्छे से इस क्लास में पार्टिसिपेट भी करेंगे, सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे। सो एज यू नो कि भाई वैलेंटाइंस है, कुछ स्पेशल है ना, तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 जो है आपके लिए एग्रीकल्चर महापैक पर अगेन डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ वापस लेकर आया है। यानी कि जहां आप एक साल में फीस भरते थे 7,359, अब आपको दो साल में सिर्फ उससे कम फीस में मिलेगा, दैट इज 6,399, है ना। टाइम डबल हो गया है, फीस पहले से कम हो गई है। तो अब दो साल का मतलब क्या है, दो साल तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाता है, वो आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेगी, चाहे वो आपका IBPS AFO हो, नाबार्ड हो, पंजाब ADO हो, आने वाली कोई वैकेंसी हो, चाहे क्रिप्को है, आगे अगर IFCO आ जाता है या नेशनल सीड कॉरपोरेशन आ जाता है, एनीथिंग, इन सभी की लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलती है दो साल के लिए इन जस्ट 6,399 रुपीज़। लाइव क्लासेस के साथ साथ इसमें आपको ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा आपको कितना रिटेन रहा या कितना समझ आया। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल। एक सैड न्यूज भी इस दिन हमारे साथ घटित हुई थी, है ना, दैट वॉज द पुलवामा अटैक। बट हम उनके लिए प्रे हमेशा करते रहेंगे और हमारे जवानों के लिए, सभी के लिए हम हमेशा प्रे करते रहेंगे कि भगवान उन्हें सुरक्षित रखें और उनकी फैमिलीज को खुश रखें और उनकी फैमिलीज को वो ताकत दे कि वो इस चेंज से गुजर पाए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस हिंदी में नहीं रहता है राहुल, यहाँ पर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन मिलते हैं। यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UP SSSC AGTA तो वहां पर आपको बायलिंगुअल क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को सेशन में जो है बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है,
Which order of insect does not undergo complete metamorphosis? इंसेक्ट का कौन सा ऑर्डर है जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है? डिप्ट्रा ऑर्डर है, लैपिडोप्ट्रा ऑर्डर है, ऑर्थोप्ट्रा ऑर्डर है या कुलियोप्ट्रा ऑर्डर है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं करता है यानी कि जिसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है, वो कौन सा ऑर्डर है? जल्दी से बताइए। प्राग ने तो देखिए फटाफट आंसर कर दिया है, सी सी इज द राइट आंसर, ऑर्थोप्ट्रा है ना, ऑर्थोप्ट्रा आपका राइट आंसर होगा। क्यों होगा ऑर्थोप्ट्रा? क्योंकि ऑर्थोप्ट्रा में आते हैं आपके ग्रास होपर्स, और मैंने आपको बताया था ग्रास होपर्स और कॉकरोच में कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती, क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है तो इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी सी। बटरफ्लाईज एंड मोथ्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? बटरफ्लाई और मोथ किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? लैपिडोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, ज़िगेंटोमा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, हेमिप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं या हिम्नोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? बटरफ्लाई एंड मोथ किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? बटरफ्लाई एंड मोथ किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? यस, तो सबसे पहले मृणाली ने आंसर किया है लैपिडोप्टरा ऑर्डर, है ना, लैपिडोप्टरा ऑर्डर। तो हमारी जितने भी बटरफ्लाईज हैं, मोथ्स हैं, ये लैपिडोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। इनकी जो लार्वल स्टेज होती है या इमेच्योर स्टेज जो होती है, उस स्टेज को कहा जाता है कैटरपिलर स्टेज। ठीक है, इनमें जो लार्वल स्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है, है ना। तो इनकी जो क्रॉप में, एग्रीकल्चर क्रॉप में जो डैमेज होता है वो ये कैटरपिलर करते हैं, एडल्ट यानी कि मोथ या बटरफ्लाई नहीं करती है। इनके कैटरपिलर्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पर फीड करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इंसेक्ट इन ऑर्डर हेमिप्टरा? हेमिप्टरा ऑर्डर में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका कॉमन नाम क्या है? ट्रू फ्लाइज, ट्रू बग्स, ग्रास होपर्स और मोथ्स? हेमिप्टरा ऑर्डर में जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका कॉमन नेम क्या है? ट्रू फ्लाइज, ट्रू बग्स, ग्रास होपर्स, मोथ्स? जल्दी से यस, संजय हैज गिवन द राइट आंसर, ट्रू बग्स, है ना। हेमिप्टरा में कौन से आते हैं? बग्स आते हैं, राइट। सो द वेरी वेरी गुड इवनिंग विवेक, सॉरी मॉर्निंग, भाई आपने इवनिंग लिखा मैंने भी इवनिंग ही बोल दिया, हाँ मॉर्निंग है भाई विवेक, है ना। चलिए, ट्रू बग्स विल बी द राइट आंसर, बी, है ना। चलिए, व्हाट इज एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ इंसेक्ट इन ऑर्डर टू कोलियोप्टरा? कोलियोप्टरा ऑर्डर में कौन सा एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स होता है? इलाइट्रा विंग्स, होस्टेले माउथ पार्ट्स, सरसाई और फजोरियल लेग्स? कोलियोप्टरा ऑर्डर, कोलियोप्टरा ऑर्डर्स में कौन से आते हैं? सबसे पहले तो कोलियोप्टरा ऑर्डर में आती हैं बीटल्स, जैसे लेडी बर्ड बीटल हम सब ने देखी है। तो इनमें क्या है जो इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये कोलियोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? इलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स, इलाइट्रा कौन क्या है? विंग्स के टाइप है। होस्टेलेट माउथ पार्ट्स हैं, या इनमें एनल सरसाई प्रेजेंट होती है, या फजोरियल टाइप्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है? सो द आंसर विल बी इलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स। इलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स मतलब इसके जो दो विंग होते हैं, आगे वाले जो विंग्स होते हैं, फोर विंग्स, वो मेम्ब्रेनस ना रहकर हार्ड शेल में चेंज हो जाते हैं, है ना, ओपेक हो जाते हैं, उनके पारदर्शी नहीं रहते, यू कैन नॉट सी, उसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे, एक शेल जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन जैसा नहीं रहता है, है ना। और इसमें इसके जो भी वेन्स होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका जो है इलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स होते हैं जो कोलियोप्टरा में पाए जाते हैं। नेम द ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट पिक्चर्ड, इस पिक्चर में आपको जो
इंसेक्ट दिख रहा है, इस इंसेक्ट का ऑर्डर कौन सा है? स्ट्रेप्सिप्ट्रा है, डर्मेप्ट्रा है, फाजमेटोडिया है, आर्थ्रोपोडा है? क्या बात विवेक भाई, ऐसा क्या हो गया कि मूड ऑफ हो गया? मूड हमेशा ऑन रहना चाहिए। इंसेक्ट बताइए पिक्चर में देखकर। बिल्कुल सही, ऑर्थोप्ट्रा है ना, हम देख पा रहे हैं वहां पर क्या है, वहां पर ग्रास होपर है। और ग्रास होपर कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? ग्रास होपर ऑर्थोप्ट्रा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो आंसर यहां पर क्या होगा? डी हमारा आंसर होगा, ऑर्थोप्ट्रा। न्यूरोप्ट्रा इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? न्यूरोप्ट्रा में कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं? एंटीलियंस आते हैं, क्रिकेट्स आते हैं, सिकाडास आता है, या ड्रैगन फ्लाइज आते हैं? न्यूरोप्ट्रा ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट्स काउंट होते हैं? एंटीलियंस, क्रिकेट, सिकाडास एंड ड्रैगन फ्लाइज। नमस्ते विशु, नमस्ते। जल्दी से बी ए। यस, आंसर क्या है यहां पर? एंटीलियंस है ना, ए विल बी द राइट आंसर, एंटीलियंस, राइट। बाकी आपके जो लेस विंग बग्स भी हैं वो भी न्यूरोप्ट्रा ऑर्डर में ही आते हैं, उनका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑर्डर ओडोंटा कंप्राइजेस विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? ऑर्डर ओडोंटा में कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं? हनी बीज, आंट्स, डैमसन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई? ऑर्डर ओडोंटा में इनमें से कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? हनी बी, आंट्स, डैमसन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज? क्या होगा आंसर? जो सी लगा रहे हैं वो भी ठीक है, जो डी लगा रहे हैं वो भी ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन गलत है, बेसिकली क्वेश्चन गलत है। ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसन फ्लाई दोनों ओडोंटा ऑर्डर में ही आते हैं, ठीक है? दोनों ओडोंटा ऑर्डर में आते हैं, ड्रैगन फ्लाई भी और डैमसन फ्लाई भी, राइट। तो बोथ विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में यहां पर गिवन नहीं है। तो जो डी लगा रहे हैं वो भी सही है, सी लगा रहे हैं वो भी सही है। नेम द ऑर्डर ऑफ द इंसेक्ट पिक्चर्ड। ये पहले तो यही आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा इंसेक्ट है, और फिर बताइए इसका ऑर्डर कौन सा है। हिम्नोप्ट्रा ऑर्डर है, ब्लेटोडिया ऑर्डर है, सुकोडिया ऑर्डर है, प्लिकोप्ट्रा ऑर्डर है? तो हम देख पा रहे हैं इस पिक्चर में क्या है, कॉकरोच है। कॉकरोच किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? हिम्नोप्ट्रा, ब्लेटोडिया, सुकोडिया, प्लिकोप्ट्रा? कॉकरोच इनमें से किस इंसेक्ट सॉरी ऑर्डर से बिलोंग करता है, मैं कह रही थी किस इंसेक्ट से बिलोंग करता है। द आंसर विल बी ब्लेटोडिया, बी, कॉकरोच बिलोंग्स टू ब्लेटोडिया। विच इंसेक्ट ऑर्डर इज मोस्टली फाउंड इन नियर फ्रेश वॉटर स्ट्रीम? कौन सा ऑर्डर है जो फ्रेश वॉटर स्ट्रीम्स के आसपास, यानी कि वो इंसेक्ट फ्रेश वॉटर स्ट्रीम के आसपास ज्यादा मिलते हैं? एफिमेरोप्ट्रा ऑर्डर है, ट्राइकोप्ट्रा ऑर्डर है, हेमिप्ट्रा ऑर्डर है, या डिप्ट्रा ऑर्डर है? इनमें से कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट हैं जो फ्रेश वॉटर स्ट्रीम के आसपास ज्यादा मिलते हैं? एफिमेरोप्ट्रा, ट्राइकोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा, डिप्ट्रा? जल्दी से बताइए। द आंसर विल बी एफिमेरोप्ट्रा, आंसर विल बी एफिमेरोप्ट्रा, ठीक है? एफिमेरोप्ट्रा से कौन बिलोंग करते हैं? एनी एग्जांपल्स? मे फ्लाई सुना है ना, दैट बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर, मे फ्लाई,
फ्लाई, ठीक है। ऑर्डर हैविंग साल्टेटोरियल लेग्स, कौन से ऑर्डर के पास साल्टेटोरियल लेग्स होती हैं? लैपिडोप्टरा, ऑर्थोप्टरा, डिप्टरा या फिर ऑल ऑफ दीज? लैपिडोप्टरा, ऑर्थोप्टरा, डिप्टरा या ऑल ऑफ दीज? ऑर्डर हैविंग साल्टेटोरियल लेग्स, साल्टेटोरियल लेग्स कौन सी होती हैं? जंपिंग लेग्स, जंपिंग लेग्स को साल्टेटोरियल लेग्स कहते हैं। कैसे याद किया था हमने? भाई सोयल इरोजन में आपका सॉल्टेशन होता है, उस सॉल्टेशन में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरी जगह जाता है लेकिन उछल के जाता है, क्रॉल करके नहीं जाता ग्राउंड पे, है ना, तो वो भी तो जंप कर रहा है, तो जंपिंग लेग्स को साल्टेटोरियल लेग्स कहते हैं। और साल्टेटोरियल लेग्स किस में प्रेजेंट होती है? ऑर्थोप्टरा में प्रेजेंट होती है, अगेन ग्रास होपर्स में, है ना। ग्रास होपर्स हमने देखा ना, एक दूसरे प्लांट पर या जगह बदलते हैं तो वो उछलते हुए बदलते हैं, तो ऑर्थोप्टरा में साल्टेटोरियल लेग्स पाई जाती है, जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स पाई जाती है। विच ऑर्डर हैज हेक्सोपोड्स बट नॉट अ ट्रू इंसेक्ट? किस ऑर्डर में हेक्सोपोड्स हैं, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास छह लेग्स हैं जो कि इंसेक्ट्स में होती हैं, लेकिन वो ट्रू इंसेक्ट्स में काउंट नहीं होते हैं? प्रोट्यूरा, कोलम्बोला, मेकोप्टरा और बोथ ए एंड बी, इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसमें छह लेग्स प्रेजेंट होती हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू इंसेक्ट्स? यस, सो द राइट आंसर विल बी, बिल्कुल 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 राइट आंसर इज डी, प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला, बोथ प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला। जब मैंने आपको इंसेक्ट क्लासिफिकेशन करवाया है या आपने पेड क्लासेस के ग्लम्स देखे उसमें भी इंसेक्ट क्लासिफिकेशन कराया है, प्रोट्यूरा और कोलम्बोला से हम शुरू करते हैं, दे आर विंगलेस, है ना, इनके पास विंग्स भी नहीं होते हैं, तो ये आपके एक सब क्लास में आते हैं बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू इंसेक्ट, इनको ट्रू इंसेक्ट में काउंट नहीं किया जाता है, सो डी विल बी द राइट आंसर। इंसेक्ट्स इन ऑर्डर डर्मैप्टरा आर कॉमनली नोन एज व्हाट? डर्मैप्टरा ऑर्डर में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? ट्विस्टेड विंग पैरासाइट्स, कारपेंटर बीज, ईयर विंग्स और टर्माइट्स। इंसेक्ट्स इन ऑर्डर डर्मैप्टरा, डर्मैप्टरा ऑर्डर में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कॉमनली किस नाम से जाने जाते हैं? क्या होगा हमारा आंसर? इंसेक्ट्स इन ऑर्डर डर्मैप्टरा आर कॉमनली नोन एज व्हाट? ट्विस्टेड विंग पैरासाइट, कारपेंटर बीज, ईयर विंग्स एंड टर्माइट्स। सो डर्मैप्टरा ऑर्डर में आपके आते हैं ईयर विंग्स, सी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड, सभी लोग सी आंसर लगा रहे हैं, नाइस, तो सी इज द राइट आंसर, ईयर विंग्स विल बी द राइट आंसर। द इंसेक्ट पिक्चर्ड बिलोंग टू विच ऑर्डर? ये इंसेक्ट जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? सिफेनोप्टरा, हिमनोप्टरा, कुलियोप्टरा, सुकोडिया। ये इंसेक्ट जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? दिस इंसेक्ट इज नोन एज फ्ली, फ्ली, एफ एल ई ए, इसको फ्ली कहते हैं, ठीक है, तो ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है? इट्स नॉट अ टर्माइट, इट्स नॉट अ टर्माइट, इट्स अ फ्ली। सिफेनोप्टरा, हिमनोप्टरा, कुलियोप्टरा, सुकोडिया, इट बिलोंग्स टू सिफेनोप्टरा, इट बिलोंग्स टू सिफेनोप्टरा, फ्लीज जो है आपकी ये सिफेनोप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, एंड दे लिव एज पैरासाइट्स, ये पैरासाइट एक इंसेक्ट है, तो जो सबसे पैरासाइट, सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें सब लोग पैरासाइट्स हैं या सबसे ज्यादा पैरासाइट्स किस ग्रुप में पाए जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा सिफेनोप्टरा, है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका? सिफेनोप्टरा आंसर होगा ए, ठीक है। ऑर्डर हिमनोप्टरा बिलोंग्स टू विच इंसेक्ट ग्रुप?
कौन से हिम्नोप्टेरा ग्रुप में कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आते हैं? एंट्स, बीज, सॉफ्टफ्लाई या फिर ऑल ऑफ द अबव? हिम्नोप्टेरा ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट्स काउंट होते हैं? एंट्स यानी कि चींटियां, बीज यानी कि मधुमक्खी या फिर सॉफ्टफ्लाई या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सही, सिफेनोप्टेरा को ब्लड फीडर्स भी कहा जाता है बिकॉज दे फीड ऑन द ब्लड्स। यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आपकी एंट्स, बीज, सॉफ्टफ्लाई एंड वास्प ये सभी हिम्नोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये सभी हिम्नोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। कई बार आप सॉफ्टफ्लाई को फ्लाई देखकर डिप्टेरा ऑर्डर में डाल सकते हैं, विच विल नॉट बी द राइट आंसर। रॉक जो आपका बैच है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का, जो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर उपलब्ध है, उसमें एग्रीकल्चर कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, उसमें ओनली एग्रीकल्चर कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, विच इंसेक्ट इज हैविंग टू विंग्स, किस इंसेक्ट में दो विंग्स प्रेजेंट होते हैं, चार नहीं होते? जनरली इंसेक्ट में चार विंग्स प्रेजेंट होते हैं, टू फोर विंग्स एंड टू हिंड विंग्स, लेकिन इनमें सिर्फ दो ही विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन से इंसेक्ट हैं? डिप्टेरा, हेमिप्टेरा, ट्राइकोप्टेरा या हिम्नोप्टेरा? विच इंसेक्ट इज हैविंग टू विंग्स, किस इंसेक्ट में सिर्फ दो ही विंग्स प्रेजेंट होते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर वाले में, हेमिप्टेरा ऑर्डर वाले में, ट्राइकोप्टेरा में, हिम्नोप्टेरा में? वेरी नाइस, द आंसर इज ए, डिप्टेरा। ए डिप्टेरा है ना, क्योंकि इनमें हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो वो विंग्स का काम नहीं करते, वो सिर्फ बैलेंसिंग का काम करते हैं। एग्जाम्पल हाउस फ्लाई। सुकोडिया इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट? सुकोडिया में कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट आते हैं? बुक लाइज, फ्लीज, थ्रिप्स, हैंगिंग फ्लाइज। सुकोडिया ऑर्डर में कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट आते हैं? बुक लाइज, फ्लीज, थ्रिप्स और हैंगिंग फ्लाई। सुकोडिया इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? सुकोडिया में आते हैं आपके बुक लाइस, बुक लाइस आपके सुकोडिया ऑर्डर में आती हैं, फ्लीज सिफेनोप्टेरा में आती है, थ्रिप्स थाइसिनोप्टेरा में आते हैं, राइट? चलिए, ऑर्डर ब्लेटोडिया इंक्लूड्स विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? ब्लेटोडिया ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट आते हैं? टर्माइट, कॉकरोच, एंट्स, बोथ ए एंड बी। ऑर्डर ब्लेटोडिया में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? टर्माइट्स, कॉकरोच, एंट्स, बोथ ए एंड बी। जी गुड मॉर्निंग भावना एंड वेलकम टू द सेशन। ब्लेटोडिया में कौन से आते हैं, हम पढ़ चुके हैं भाई, कॉकरोच, बी कॉकरोच, ठीक है, बी कॉकरोच विल बी इन ब्लेटोडिया ऑर्डर। टर्माइट्स का कौन सा होता है? आइसोप्टेरा ऑर्डर होता है, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। टर्माइट्स का आपका आइसोप्टेरा ऑर्डर होता है एंड एंट्स का हिम्नोप्टेरा होता है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। विच ऑर्डर आर हेक्सापोड्स बट नॉट ट्रू इंसेक्ट? अच्छा रिपीट हो गया है ना, तो यहां पर आपका आंसर आएगा कोलम्बोला एंड प्रोट्यूरा, बोथ। चलिए नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स आर इन ऑर्डर हेमिप्टेरा? हेमिप्टेरा में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? लीफ होपर्स, स्टिंग बग, सिकादास, ऑल ऑफ द अबव। हेमिप्टेरा ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? अंकित पीएचडी मिनिमम 3 साल की होती है एंड मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, इट इज मिनिमम 3 इयर्स एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, क्योंकि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आपके रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, कभी कभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ रहे हैं, तो इट कैन एक्सटेंड टू 4, 5, 6 इयर्स है ना, 6 ईयर तक ये एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप डबल टाइम में भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते अपने रिसर्च वर्क को, यानी कि 6 साल में अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी कह देती है भैया आपके बस की बात नहीं है, यहाँ से जाइए।
ठीक है, आंसर विल बी डी, लीफ होपर्स भी आपके हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। अगर आपको ना पता हो, हेमिप्टेरा ऑर्डर का मतलब हम सिर्फ बग्स समझते हैं कभी कभी, लेकिन लीफ होपर्स भी हेमिप्टेरा ऑर्डर में काउंट होते हैं। सो दैट्स ऑल, दीज आर योर बैचेस विच आर स्टार्टिंग टूडे, IBPS AFO फाउंडेशन बैच एंड MSc एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच, दोनों ही बैचेस आज शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी फीस जो है, यहाँ पर पहले 3,220 हुआ करती थी, पर आज ये 2,759 है, मतलब सही दिन आपको ऑफ मिल रहा है, बैच भी आज शुरू हो रहा है एंड 80% ऑफ भी मिल रहा है। सो द फीस नाउ इज 2,759, और यहाँ जहाँ इसकी फीस 3,679 होती थी, टुडे इज 3,199। सो इसके लिए Y448 आप पहले यूज कर रहे थे, उसके साथ A और यूज करना है, A4 एग्रीकल्चर है ना। सो Y448 A यूज करेंगे, यू विल गेट द 80% ऑफ ऑन योर बैचेस। अगर क्लास पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड स्प्रेड सम लव इन द फील्ड। चलिए, कैसे इन बैचेस में एनरोल करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। आप एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोल कर सकते हैं और वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं। माय रिकमेंडेशन विल बी गो फॉर द एप्लीकेशन, उसमें 80 की जगह 81% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, रॉक बॉटम AGTA का सिलेबस चेंज होने के चांसेस काफी मिनिमम है, मतलब नहीं होने के ही है। बाकी भाई, आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, तो मैं आपको प्रोमिस कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, गूगल है तो यहाँ पर टाइप कीजिए Adda247 और इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखेगी। यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, आपको चूज करना है जिस एग्जाम में आप अपीयर होना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चूज करेंगे IBPS AFO को। ठीक है, तो ये आपका IBPS फाउंडेशन बैच है, 14 फरवरी, यानी कि आज से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। शाम को 5 बजे आकाश सर की क्लास है इसमें, उससे पहले आपने एनरोल कर लेना है अगर आप अपने बेसिक और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और एग्रीकल्चर महापैक यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर महापैक में IBPS भी इंक्लूडेड है, नाबार्ड फाउंडेशन भी इंक्लूडेड है, MSc फाउंडेशन भी इंक्लूडेड है, पंजाब ADO भी इंक्लूडेड है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी इंक्लूडेड है, क्रिप को भी इंक्लूडेड है, मतलब सारे एग्जाम देने हैं। सो यू कैन गो फॉर एग्रीकल्चर महापैक, है ना। इसको आपने बस सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पर बाय नाउ करना है, नई विंडो आएगी, यहाँ पर टाइप कीजिए Y448। और हमारा कीबोर्ड काफी दिनों से हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। चलिए, सो यू कैन जस्ट यहां पर डाल सकते हैं Y448 के साथ A भी लगाना है। जैसे हमने Y448 लगाया, यू विल गेट द 80% डिस्काउंट और फीस हो जाती है 2,799। उसी तरीके से एग्रीकल्चर महापैक है ना। एग्रीकल्चर महापैक में आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, और सब्सक्रिप्शन आप टाइम चूज कर सकते हैं, भाई 12+12 मंथ मतलब दो साल की वैलिडिटी, 6+6 मंथ मतलब 1 साल के लिए आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। सो आपको बस चूज करना है 6+6 चाहिए, 12+12 चाहिए, और बाय नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां से आपकी वही विंडो होगी, सेम प्रोसीजर होगा, यू कैन यूज द कोड Y448A एंड अप्लाई एंड यू विल गेट 80% डिस्काउंट ऑन योर फी। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगले सेशन में आप आकाश सर के साथ जुड़िएगा।